वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। किसानों के साथ सरकार की बातचीत से पहले जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक, बैठक में मौजूद रहे राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा और कहा कि भ्रम फैलाकर राजनीति करने वाले डर गए, अब छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नीयत से हो रहा है काम। कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का छठा दिन, आंदोलन को लेकर सत्ता और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते 3 दिनों में 4 बार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज किसानों के हक में की बुलंद। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, उन्होंने केंद्र सरकार पर कृषि बिलों की आड़ में जमीन हड़पने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, कहा अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को बताया दुनिया का सबसे कंफ्यूज व्यक्ति। किसान बिल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा किसानों ने किसान बिल को किया स्वीकार। मनोज तिवारी विपक्ष पर हुए हमलावर, कहा केवल एक ही प्रदेश के किसानों को हो रही दिक्कत, वो भी जहां है कांग्रेस की सरकार। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा दिल्ली में एक बार फिर से कम हो रही कोरोना की पॉजिटिविटी रेट। 15 लाख दीयों से जगमगा उठे वाराणसी के 84 घाट, सुनहरी रोशनी से दमकी गंगा की लहरें। हमीरपुर सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष ने खुद को मारी गोली, गोली लगने से जिलाधिकारी की मौके पर मौत, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी। गोंडा में बाइक सवार युवकों को कार ने मारी टक्कर, युवकों को घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई कार, सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मरीज के साथ आए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, इमरजेंसी में तैनात नर्स और स्टाफ के साथ भी की मारपीट, दरअसल मरीज का इलाज सही न करने को लेकर हुआ था हंगामा। आईएएस हरिओम के पिता की दबंगई आईएएस सामने, रंजिश को लेकर अपने साथियों संग मिलकर पीड़ित के मकान के सामने बने सीढ़ी को तोड़ा। पीड़ित द्वारा तहरीर देने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, आईएएस के पिता की दबंगई सीसीटीवी में हुई कैद। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से लाखों रुपए की कीमत की शराब बरामद, तस्करी पर लाई जा रही थी शराब। गजरौला में संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम विकास अधिकारी की मौत का मामला, अचानक तबियत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान अधिकारी की हुई मौत। सुल्तानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, मांगलिक कार्यक्रम के दौरान की गई हर्ष फायरिंग, वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की FIR। शाहजहानपुर में गुड़ से भरा ट्रक ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ता हुआ करीब 50 फीट नीचे गिरा, घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल का मनाया गया स्थापना दिवस, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विनोद सरोज की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम, स्थापना दिवस में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। MLC चुनाव को देखते हुए गोरखपुर शहर में बने सभी मतदान स्थलों की हुई साफ सफाई, साथ ही मतदान स्थल पर लगे प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर को हटाया गया। फतेहपुर में पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर की पति की धुनाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जमीन से मिले पैसे को लेकर हुआ था विवाद। फतेहपुर में देवर भाभी ने एक साथ फांसी लगाकर की आत्महत्या, देवर भाभी का शव फांसी के फंदे से लटका देख इलाके में मची सनसनी, दोनों का एक दूसरे के साथ था प्रेम प्रसंग। आगरा में एक युवक को गोली मारने का मामला आया सामने, युवक के इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। 5:25 में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।